हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट एट द टर्मिनल्स ऑफ एन एक्सन आर कॉल्ड, उन्हें क्या कहते हैं? सिनेप्टिक नॉब्स, एक्सॉन हिलॉक, सिनेप्टिक वेसिकल्स, डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स, आप यहाँ पर जो सेल बॉडी से निकलते हुए एक्सटेंशन देख रहे हैं ना, यहाँ इसको डेंड्राइट्स कहते हैं। ठीक है, ये आपका सेल बॉडी है जिसके अंदर न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं। सेल बॉडी के अंदर ये ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे हैं आपको, इनको नेसल्स ग्रेन्यूल बोलते हैं, आरईआर फ्रेगमेंट होते हैं। फिर एक लॉन्ग ट्यूब जो एक्सटेंड कर रही है यहाँ से, उसको एक्सन कहते हैं। अब एक्सन एनवलप्ड है किससे? श्वान सेल से, और ये श्वान सेल माइलिन शीथ सिक्रीट करने का काम कर रहे हैं। जहां जहां पर माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि यहाँ पर, यहाँ पर, इस सबको क्या बोल देते हैं? सबको बोल देते हैं नोड्स ऑफ रेनवे। ठीक है, जो गैप जहां पर माइलिन शीथ एबसेंट है। और एक्सॉन टर्मिनल आप देख रहे हैं, यहाँ से बहुत सारे एक्सॉन टर्मिनल निकल रहे हैं जिनके एंड में बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बन रही है। ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बन रही है ना, इसको सिनेप्टिक नॉब कहते हैं। ठीक है, डेंड्राइट्स नहीं कहते, सिनेप्टिक वेसाइकल्स नहीं कहते। ये जो सिनेप्टिक नॉब्स है ना, इनके अंदर सिनेप्टिक वेसाइकल्स फिल्ड रहते हैं, और इन सिनेप्टिक वेसाइकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स फिल्ड रहते हैं। ओके, तो यहाँ ये सिनेप्टिक वेसाइकल बीन करेक्ट है। एक्सॉन हिलॉक जो सेल बॉडी और एक्सॉन का जॉइंट होता है ना, यहाँ पर इसको क्या बोल देते हैं? एक्सॉन हिलॉक बोल देते हैं। ठीक है, सिनेप्टिक नॉब्स इज द करेक्ट आंसर। सिनेप्टिक नॉब बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक्सॉन टर्मिनल्स पर प्रेजेंट होते हैं, और इनके अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स मिलते हैं जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स फिल्ड होते हैं। जब इम्पल्स यहाँ पहुँचती है ना, तो उस वक्त ये ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं, ये मेम्ब्रेन के पास आते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर देते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। जो गैप होता है, ट्यूब फिल गैप बिटवीन एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ अदर, ये डेंड्राइट है अदर न्यूरोन का, तो इनके बीच में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर देता है। फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर अपने रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, जो रिसेप्टर आपको डेंड्राइट पर मिल रहे हैं, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर मिल रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से इम्पल्स इनके बाइंड करने से आयन चैनल ओपन हो जाता है यहाँ डेंड्राइट में, और पोटेंशियल जनरेट होता है। तो इस तरीके से इम्पल्स का ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स आप देख रहे हैं। यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो है ऑप्शन ए। इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन न्यू एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 232 पर गिवन है। थैंक यू।